इस वीडियो में मैं बात करूंगी 2022 साउथ कोरियन वेब सीरीज़ साउंड ट्रैक वन के बारे में। अब ये एक रोमांस वेब सीरीज़ है, सिर्फ 4 ही एपिसोड का वेब सीरीज़ है और मैंने चारों एपिसोड एक ही बार में देखा था, तो मुझे देख के लगा जैसे ये एक 3 घंटे का मूवी चल रहा है, क्योंकि इस ड्रामे में डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो स्टोरी की अगर मैं बात करूं, फ्रेंड्स बिकमिंग लवर्स, मतलब यही मेन थीम है। अब बड़े ही टिपिकल सा घिसा पिटा सा थीम है, बहुत सारे ड्रामे और मूवीज़ में हमने ये देखा है पहले भी, मगर फिर भी इस ड्रामे में एक एक्स फैक्टर था और वो था कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी। जो दो कैरेक्टर्स थे, जो कपल है हमारा, दोनों ही की करियर ओरिएंटेड है। हमारी हीरोइन एक सॉन्ग राइटर है, दैट इज़ एक लिरिसिस्ट है। दूसरी तरफ हमारा हीरो एक फोटोग्राफर है। दोनों के स्कूल लाइफ से देखिए उनका जो स्ट्रगल होता है करियर में, एक दूसरे को सपोर्ट करना, स्वीट फ्रेंड्स जो कि हमेशा एक दूसरे के पीछे खड़े हैं, फीलिंग्स डेवलप करना, इमोशंस को रियलाइज़ करना, समझना और फिर उसको रिस्पेक्ट देना, और वो जो पूरा जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। जो इवेंट्स थे, जैसी चीज़ें रियलाइज़ की जाती है, जैसे केयर करते हैं दोनों एक दूसरे की, वो इवेंट्स, वो सीन्स पहले कभी किसी और ड्रामे में नहीं देखा। तो क्योंकि एक शॉर्ट 4 एपिसोड का ही जर्नी है, पेस भी फास्ट था, बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा आपको ये ड्रामा। और कभी भी अगर बोर हो रहे हो, टाइम पास करनी हो, एक स्वीट लेजर टाइम, आराम से आप ही देख सकते हो, ये एक अच्छा बिंज वॉच है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ गानों की, अब क्योंकि नाम ही साउंड ट्रैक है, हमारी हीरोइन एक लिरिसिस्ट है, गाने बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे गाने हैं। कोरियन लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश में भी है एक गाना, तो बहुत अच्छा, सुनने में भी बहुत अच्छा है। एक्टिंग की मैं बात करूं, हमने दोनों ही एक्टर्स के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखे हुए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नया नया प्रोजेक्ट देखा है, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं वो लोग, रोमांस फिक्शंस में काम किए हैं ये लोग। और इस ड्रामे में भी कोई 18+ सीन नहीं है, कोई R-rated सीन नहीं है, स्वीट चीज़ी सीन्स भी नहीं है, आई कांटेक्ट, डायलॉग्स और एक्टिंग में ही एक अच्छी केमिस्ट्री लेके आ गए ये लोग, वो इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। रहा बात बाकी कैरेक्टर्स की, तो हीरो हीरोइन के अलावा और भी कैरेक्टर्स थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ये एक थोड़ा सा एक फ्लॉ हो सकता है कैरेक्टराइजेशन। दो जो लीड कपल, जो कपल है हमारे, उनकी कैरेक्टर्स बहुत अच्छी है, उनकी पर्सनालिटीज़ बहुत अच्छी है। और क्योंकि सिर्फ 4 ही एपिसोड का वेब सीरीज़ है, बाकी कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी भी नहीं था मेरे ख्याल से, सिर्फ कपल्स की ही ज़्यादा सीन थे, बाकी कैरेक्टर्स ठीक है, कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी में ज़्यादा काम नहीं किया गया, उनको ज़्यादा रोल नहीं दिया गया, मगर 4 एपिसोड में कुछ ज़्यादा दिखा भी नहीं सकता था। तो फास्ट पेस रखने के लिए सिर्फ कपल के ही ज़्यादा सीन्स थे और वो देखने में अच्छा लगा। अगर ज़बरदस्ती दूसरे कैरेक्टर्स को डाल देता और एपिसोड्स बढ़ाता रहता तो फिर वो बोरिंग हो जाता, तो ये बोरिंग नहीं है, ये और भी एक अलग एक्स फैक्टर है। तो कभी भी 3 घंटे के लिए टाइम देना पड़ेगा, बहुत अच्छा एक स्वीट वॉच है, ज़रूर देखिए ये आप। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस ड्रामे के सारे एपिसोड्स इंग्लिश सबटाइटल के साथ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड स्टे हेल्दी।